म्यांमार के राज्य राकिन में हिंसा की घटना सामने आई है, जिसमें 20 रोहिंग्या के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं मस्जिद के करीब बम ब्लास्ट भी किया जा रहा है। राकिन में यह घटना उस समय घटी जब आंग सान सू की ने एक ही दिन पहले ये घोषणा की थी कि फौज सरहदी इलाकों में ऑपरेशन बंद कर दिया है। गौरतलब है कि म्यांमार की सेना ने दावा किया था कि वह 25 अगस्त को पुलिस पर होने वाले हमलों के बाद रोहिंग्या उग्रवादियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश की ओर पलायन करने वाले बेघर लोगों को कहना था कि म्यांमार की सेना और बुद्ध उग्रवादी उन्हें अत्याचार का निशाना बनाते थे और उनके पूरे गांव को आग के हवाले कर दे रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में सेना के अभियान को सांप्रदायिक हिंसा बताया था। सरकार के ज्ञापन अनुसार ताजा घटना राकिन के एक गांव माउन दाज कयानी चुंग में घटी, जहां करीब 20 घर आग की चपेट में आ गए। ज्ञापन में कहा गया है कि सुरक्षा सदस्यों ने घटना स्थल का दौरा किया और आग की प्रकृति मालूम की और मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि दूसरी घटना मी चुंग जे गांव में एक मस्जिद के पास विस्फोट हुआ है। इन घटनाओं की जिम्मेदारी आतंकवादियों पर लगा दी गई है, लेकिन पुलिस पर हमला करने वाले समूह ARSS के हवाले से बयान में कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया गया। राकिन के दोनों गांवों के घटना में फिलहाल कोई जानी। नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।